देखो बेटा, इस सवाल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा ही लगेगा, जैसा कि पिछले की में लगा था उसी का एक्सटेंशन है। उसमें क्या था कि लड़के को बॉल कैच किया था, उसके फ्रेंड ने फेंका था। अब की बार बच्चे ने प्लेटफॉर्म बना लेते हैं बेटा। पिछला सवाल जिसने नहीं देखा उसको कर लीजिएगा। ये आपका प्लेटफॉर्म था, ये आपका बालक खड़ा हुआ था MKG का, इसके हाथ में बॉल थी। पिछली बार क्या था, इसके दोस्त ने इनको भेजी थी। अब की बार ये रेस्ट पे खड़े हुए हैं, एम ए राइट। इनके पास क्या है, एम बॉल है, रेडियस आर है, अपना मास एम लिए हैं। बस सोती सर एक ही चीज़ बताते हैं कि भाई साहब इन्होंने ओरिजेंटली भी वेलोसिटी फेंक दी। तो प्रोवाइडर कौन है, जो बॉल है यही प्रोवाइडर है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटा का। तो MB into R एंगुलर मोमेंटा था जो प्रोवाइड कर दिया। ये रेस्ट पे खड़े थे, जैसे ही फेंका तो ये मोमेंटा प्रोवाइड हुआ, ये ट्रांसफर हुआ इस सिस्टम को। लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ, बॉल इनके हाथ से निकल चुकी है, तो इनके पास क्या बचा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म। और प्लस लड़का तो कूदा नहीं, प्लेटफॉर्म पे ही था, तो MR² तो दो चीज बचे, क्योंकि अब की बार इन्होंने गेंद को फेंक दिया। पिछले में क्या करा था, गेंद को कैच करा था, तब यहाँ MR² आ गया था, बस काम बन गया। इसलिए ω = MB into R / I + MR² तो देखिए कितना आसान है। बस आपको ये पता चल जाए कौन सा एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड हो रहा है और किस सिस्टम को ट्रांसफर हो रहा है, सवाल लग जाएगा।